नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दिव्या न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। तो चलिए देख लेते हैं सरदार शहर की आज की सभी बड़ी खबरें। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ सरदार शहर पुलिस हुई सख्त। ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगातार काटे जा रहे हैं चालान और वाहन किए जा रहे हैं सीज। कच्चा बस स्टैंड के आगे यातायात पुलिस ने नियमों की अवहेलना करने वाले 33 वाहन चालकों के काटे चालान। सरदार शहर यातायात पुलिस ने यातायात प्रभारी हेड कांस्टेबल गणपत राम और कांस्टेबल नरेंद्र दहिया ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए कच्चा बस स्टैंड के आगे यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की है। यातायात प्रभारी हेड कांस्टेबल गणपत राम ने बताया कि थानाधिकारी सतपाल विश्नोई के निर्देशों पर शहर में विशेष अभियान चलाकर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि बिना हेलमेट पहनकर बाइक चलाने वाले, क्षमता से ज्यादा सवारी बैठाकर वाहन चलाने वाले, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने वाले, बिना सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने वाले, बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाने वाले सहित तमाम नियमों की अवहेलना करने पर वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हुए चालान काटे जा रहे हैं। यातायात प्रभारी गणपत राम और कांस्टेबल नरेंद्र दहिया पूरे दिन शहर में नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। वहीं कुछ वाहन चालक नंबर प्लेट पर नंबर की जगह जाति या शायरी लिख कर रखते हैं, ऐसे में उनके खिलाफ भी पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। यातायात प्रभारी ने बताया कि विशेष तौर से बिना हेलमेट लगाकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि बिना हेलमेट पहनकर बाइक चलाने का जुर्माना 1,000 रुपए है। वहीं यातायात पुलिस चालान काटने के साथ साथ वाहन चालकों के साथ नियमों की पालना करने की समझाइश भी करती हुई नजर आती है। गुरुवार को यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 33 वाहन चालकों के चालान काटे और 11 वाहनों को सीज किया। यातायात पुलिस की लगातार कार्रवाई से अब वाहन चालक नियमों की पालना करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं यातायात पुलिस जिस स्थान पर कार्रवाई करती है वहां पर वाहन चालकों में हड़कंप मच जाता है और वाहन चालक अन्य रास्तों से होकर और वाहन को वापस घुमाकर वापस जाते हुए दिखाई देती है। वहीं कुछ वाहन चालक यातायात पुलिस के रुकवाने के बाद भी नहीं रुकते, ऐसे में यातायात प्रभारी ने बताया कि इन वाहन चालकों के खिलाफ नंबर नोट कर विशेष कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज की अगली खबर। 54 वर्षीय व्यक्ति बिना बताए निकला अपने घर से, बेटे की रिपोर्ट पर सरदार शहर पुलिस थाने में गुमसुदगी का मामला हुआ दर्ज। दूलरासर निवासी 54 वर्षीय व्यक्ति बिना बताए निकला घर से, बेटे की रिपोर्ट पर पुलिस थाने में गुमशुदगी दर्ज। सरदार शहर पुलिस थाने में गुरुवार को दूलरासर निवासी 54 वर्षीय व्यक्ति की गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ है। दूलरासर निवासी राजकुमार पुत्र रामदयाल सुथार ने पुलिस थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट देकर बताया कि मेरे 54 वर्षीय पिता रामदयाल पुत्र रूपा राम सुथार बुधवार सुबह 10 बजे बिना बताए घर से कहीं चले गए, जो अभी तक वापस नहीं आई हैं। हमने हमारे पिता को गांव, खेत और आसपास के क्षेत्र में काफी तलाश किया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला है। हमने रिश्तेदारी वगैरह में भी फोन करके पता किया, लेकिन मेरे पिता का अब तक कोई पता नहीं चला है। हमने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो तारानगर रोड स्थित एक सीसीटीवी कैमरे में बुधवार को सुबह 11 बजे मेरे पिता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक मेरे पिता की कोई सूचना नहीं है। वहीं रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी मामला दर्ज कर 54 वर्षीय व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। तो चलिए बढ़ते आज की अगली खबर की ओर। सरदार शहर न्यायालय परिसर में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को लागू करने की मांग को लेकर आज धरना 17 दिन भी जारी रहा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जमकर प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। न्यायालय परिसर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर वकीलों का धरना 17वें दिन भी रहा जारी। विधानसभा में सरकार द्वारा पेश बिल को वकीलों ने बताया गलत। सरदार शहर के न्यायालय परिसर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर वकीलों का धरना गुरुवार को 17वें दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे वकीलों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र राजपुरोहित ने बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर पूरे राजस्थान में वकीलों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। सरकार द्वारा वकीलों को आश्वासन दिया कि विधानसभा में बिल पेश कर उसे पारित कर दिया जाएगा। 15 मार्च को सरकार द्वारा विधानसभा में जो बिल पेश किया गया है उस बिल को हमारे द्वारा नहीं माना गया है।
हमारे द्वारा जो शर्तें बताई गई थी उनका सरकार ने बिल पेश नहीं किया है। सरकार द्वारा खुद बिल बनाकर पेश किया गया है जिसको हमारे द्वारा नहीं माना गया है। जयपुर में हमारे प्रतिनिधि मंडल द्वारा जो आदेश मिलेगा उसके हिसाब से हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरने पर सुरेंद्र सिंह निर्वाण, बाबू सिंह राठौड़, रामनिवास शर्मा, देवेंद्र सिंह राजवी, नरेंद्र सैनी, हरिओम पारिक, संदीप बोजक, गौतम पंकज, अशोक पारिक, वेदिकी शर्मा, राजकुमार गहनोलिया, कुंदन सिंह, सीताराम स्वामी आदि अधिवक्ता धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन जो ये जो प्रस्ताव पेश किया गया है पुनर्स्थापना का, इसके अंदर जो ड्राफ्टिंग पेश की गई है वो वकीलों के साथ है। आज 18 फरवरी से वकील हड़ताल पे बैठे हैं। उनका विधानसभा घेराव का भी प्रस्तावित था, लेकिन हमने जो कमिटमेंट था गवर्नमेंट का, उस कमिटमेंट के हिसाब से हमने घेराव वगैरह स्थगित कर दिया और हमारी अनिश्चितकालीन जो स्वैच्छिक आंदोलन है वो चलता रहा। लेकिन जो बिल पेश किया गया है वो कम्प्लीटली एक पूरे अधिवक्ता समुदाय के साथ एक भद्दा मजाक है। मैं आपको बताऊं कि जो हमारे BCR और BCI की तरफ से जो ड्राफ्टिंग दी गई थी उस कंप्लीट ड्राफ्टिंग को चेंज करके उसमें चाहे धारा 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 9 हो, इसके अंदर सारी धाराओं को, यानी कि हमें वो खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात कही है और हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गवर्नमेंट ने। अभी हमें हाईकोर्ट, बार काउंसिल और एडवोकेट एसोसिएशन जितने भी हैं उनके इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। हमें विधानसभा का घेराव पेश करना पड़ा, हाईवे जाम करना पड़ा। हम आंदोलन को और तेज़ करेंगे। बाकी यह जो बिल पेश किया गया है इस बिल को अधिवक्ता समुदाय बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहता।